अब जरा अपना जायजा लेकर हम देखें कि होता क्या है कि आकर इबादत में शामिल तो हो गए, नमाज में आ गए, मस्जिद में आ गए, लेकिन दिमाग दिल इस तरफ मुतवज्जे नहीं होता कि हम कहां जा रहे हैं, किसकी बारगाह में जा रहे हैं, किसके दरबार में जा रहे हैं, तो उसका तसव्वुर दिमाग से मैं अल्लाह आए और खड़े हो गए, एक मशीन चल गई, मशीन का स्विच ऑन हो गया और वो जबान जो है वो अल्फाज निकालने लगी ऑटोमेटिक और यहां तक। तो जरा कुछ ध्यान करो, ये तो इख्तियार में है, कुछ गैर इख्तियारी बात नहीं, इख्तियार में है कि जब आओ तो ये सोच कर आओ कि मैं किसके दरबार में जा रहा हूं। खड़े हो तो इसीलिए फरमाया गया कि नमाज पढ़ शुरू करने से पहले ये पढ़ लो, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन, मैंने अपना रुख कर लिया है उस जात की तरफ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, यकसू होकर हनीफ़न यकसू होकर मैंने अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ कर लिया, वमा अना मिनल मुश्रिकीन। ये दरअसल दिमाग में ले आओ, कोई मुश्किल बात नहीं है, जहन में ले आओ कि मैं अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ, अरे जो हाथ उठाते हैं ना तकबीर के लिए जो हाथ उठाते हैं, तो ये तकबीर के हाथ उठाने के माना क्या है, तकबीर के लिए हाथ उठाने का मतलब यह है मैं दस्तबरदार हो गया, हाथ उठा दस्तबरदार हो जाना, दस्तबरदार हो गया काहे से, हर मासी बात है, अब मैं तमाम तर अल्लाह का हूं और अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे हूं, मेरा दिल मेरा दिमाग मेरी सोच मेरी फिक्र अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ, यह तरह फिक्र अल्लाह अकबर मासी अल्लाह से दस्त बरदार हो जाए। तो इन्नी वज्जहत वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन, नमाज शुरू करने से पहले ये तलकीन फरमाई गई है कि ये कह लो अल्लाह तबारक व तआला की बात, अव्वल तो सीख लो ये लफ्ज और नहीं तो उर्दू ही में कह जो मैंने आपका रुख अल्लाह की तरफ कर उस जात की तरफ कर लिया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और फिर हाथ उठाओ तो ये सोच कर उठाओ कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूं हर बात की बात है। तो ये इस तरह करो और तसव्वुर ये करो कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हूं, तो जब ये तसव्वुर करोगे तो उस वक्त में इबादत का अंदाज ही बदल जाए, फिर हाथ नहीं नमाज के अंदर खड़े हुए पर हाथ नहीं चलेंगे, कभी यहां गुजा रहे हैं कभी वहां गुजा रहे हैं बिला वजह, कभी दखल रहा है कभी हरकतें हो रही हैं, होगा अगर ये बताओ कि अल्लाह मियां है सामने देख रहे हैं तो ये होगा, फिर खुशू भी हासिल होगा, फिर खुशू भी हासिल होगा क्योंकि पता है कि अल्लाह तबारक व तआला देखा, और सबक लेना चाहिए, देखो भाई दुनिया के अंदर में जो वाकयात पेश आते हैं उनसे भी सबक लेना चाहिए। हम एक मरतबा अमरीका में हमें दोस्त जो हैं वो वहाँ ह्यूस्टन जो वहाँ का शहर है तो उससे कुछ फासले पर वहाँ का वो खलाई अड्डा है जिसको नासा कहते हैं जहाँ से खलाई जहाज उड़ते हैं, तो वहाँ दिखा नहीं ले लेगा, उस जमाने में तो ये था पता नहीं अब अल्लाह जाने क्या हाल होगा, अब तो दुनिया ही बदलती जा रही है, उस जमाने में वहां बिल्कुल जो उसका जो कंट्रोल रूम होता है जहां से के सारे खलाई जहाजों के ऊपर कंट्रोल किया जाता है वहां तक हम वो आम आदमी को भी ले जाते थे बिल्कुल वहां एन उस जगह,
तो जाके देखा तो अजीब से है, तो ये 11 सितंबर वाले इस वाक्य से पहले की बात है, बहुत पहले की। तो अब पता नहीं मुझे अब क्या सूर रहा है। तो वहां एन उस जगह तक ले जाते और न कोई फौज नजर आ रही, न कोई पुलिस नजर आ रही, न कोई सिक्योरिटी का पास इंतजाम, और जा रहे काफिले के काफिले। लेकिन जब वहां दाखिल होते तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था यू आर वॉच्ड, उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी निगरानी हो रही है, यानी कैमरों के जरिए तुम्हारी एक एक नकल हरकत को देखा जा रहा है, क्या कर रहे हो, बस यू आर वॉच। तो नतीजा ये कि वो पढ़ा आदमी ने और वो ठिटक के रह गया कि अब मैं कोई ऐसी हरकत न करूं कि जिससे मैं कहीं पकड़ा जाऊं। तो वहां ये लिखा हुआ था, अब उसको पढ़ते लोग और एहतियात के साथ बिल्कुल मोहतात हो जाते, अलर्ट हो जाते, मोहतात हो जाते कि कोई ऐसे काम ना करें। तो मुझे ख्याल आया कि ये तो वो पैगाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि अल्लाह के बंदो ये सोचो कि तुम्हें तुम्हारी निगरानी हो रही है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, हर लम्हे हर लहजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें देखा जा रहा है। फइन्नहु यरा, तो वहां एक बेहकीकत इंसान निगरानी कर रहा है, उसका इतना एहतमाम कि मेरी नकल हरकत में तो था तो बात खराब भी ना हो जाए, और वो मालिकुल मुल्क वल मलकूत निगरानी फरमा रहा है, देख रहा है कि क्या हो, कि किस तरह गुजार रहा है, उसका एहतमाम नहीं होगा। तो भाई ये एहसास दिल में पैदा हो जाना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये जो एहसास दिल में पैदा हो जाना इसका नाम है एहसान। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने फज़्ल व करम से अता फरमाए। जब ये पैदा हो जाएगा तो फिर इबादत के अंदाज ही और होंगे, जिक्र के अंदाज ही और होंगे, और इंसान की जिंदगी का नक्शा ही बदल जाए। पैदा कैसे हो भाई, वहां तो बोर्ड देख लिया था, उसको पढ़ गए, पता चल गया, मालूम था कि कैमरे लगे हुए हैं। आज भी सड़कों पर हाईवे के ऊपर लिखा वो कैमरे की तस्वीर बनी होती है कि देखो भाई ये कैमरा है, देखे जा रहे, तुम देखे जा रहे, स्पीड बढ़ाना नहीं, जो तुम्हारी वहां मुकर्रर स्पीड लिमिट है उससे आगे नहीं बढ़ना। तो जो अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं वो एहतियात के साथ चलाते हैं। बहुत सी जगह ऐसा है कैमरे नहीं है तो वहां पुलिस की गाड़ी, अगर दूर से अंदाजा हो गया कि पुलिस की गाड़ी कहीं खड़ी हुई छुपी हुई और वो कहीं चालान कर देगी तो उसको ठिटक जाएंगे, और जब ख्याल होगा कि नहीं पुलिस की रेंज में नहीं है तो फिर तेज भगाना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें तो हुजूर अक्दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया मुस्तकिल तौर, ये कोई आर्जी बात नहीं, हर वक्त हर लम्हे हर लहजा तुम्हारी हर नकल व हरकत को देखा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो लफ्ज जबान से निकाल रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, वो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई चीज बची हुई नहीं है। तो भाई जब इतना मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के बाद और क्या यकीन का जरिया होता है। सिर्फ इतना ही तो है ना कि आंखों से नजर नहीं आ रही, आंखों से नजर नहीं आ रही, लेकिन क्या
دنیا میں ہر چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے تب مانتے ہو. دنیا کے اندر تو بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے مگر آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ یقین ہے اس کی صحت کا. پر ضرورت ہوا جہاز اڑ جا رہا ہے آپ کے سامنے, اس میں پائلٹ نظر نہیں آ رہا, کون بیٹھا ہے اس کے اندر, کوئی نظر تھوڑی آ رہا ہے, لیکن یقین ہے کہ نہیں کہ کوئی اڑانے والا اس کو اڑا رہا ہے, کوئی اندر بیٹھا ہوگا کوئی پائلٹ. اور اگر مسافر جہاز ہے تو یہ بھی کہ اندر مسافر بیٹھے ہوں گے کہیں جا رہے ہوں گے, حالانکہ مسافر نظر نہیں آ رہے, پائلٹ نظر نہیں آ رہا, لیکن یقین ہے, پکا یقین کہ اس جہاز کے اندر انسان موجود ہیں. آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن یقین حاصل ہے, کیونکہ معلوم ہے کہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا جہاز. تو کون سی چیز, ہر چیز دنیا میں آنکھ سے دیکھ کر یقین نہیں کی جاتی, بہت سی چیزیں وہ ہیں جو آنکھوں سے دیکھے بغیر آدمی اس کا یقین کرتا ہے. تو حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک ترا, اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ, جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, لیکن دیکھ تو نہیں رہے لیکن اتنا یقین ہو تمہیں اس کے اوپر کہ جیسے اس کو دیکھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کرو.